यह भीड़ लोकतंत्र के उन मालिकों की है जो चुनाव में जीत या हार तय करते हैं। अनंत सिंह अक्सर कहते हैं कि जनता मालिक होती है, तो इन मालिकों के दरबार में हाजिरी जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव आ गया है। सियासत में यह सैलाब चुनाव के वक्त ही आता है। लोगों की भीड़ और मंच पर नेताओं की तस्वीर अब आम होने लगी है। बस समझिए देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, और बिहार में तो मुंगेर सीट महालड़ाई बनी है। तो इस सीट से महालड़ाई का आगाज अनंत सिंह ने कर दिया है। पिछली बार जब आए थे तो रोड शो में उमड़ा हुजूम हौसला दे गया था। आज फिर जब अनंत सिंह बढ़िया के खुटहा गांव आए हैं तो फिर लोगों की भीड़ हौसला दे रही है। भीड़ ने जोश भर दिया है। तो अनंत सिंह भी कह रहे हैं, पावर हाउस में नेपाली टॉर्च नहीं। इलाज किए हैं तो आप बहुत कड़ा गोली से करते हैं। अच्छा, आज आपके समर्थक आज आपके समर्थक आपको नेपाली टॉर्च की जगह पावर हाउस कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर? हम पावर हाउस हैं। मुंगेर सीट हर हाल में जीतना है। विरोधियों की जमानत भी जब्त करानी है, इसलिए हाजिरी भगवान के दरबार में भी लग रही है। मुंगेर की मुराद पूरी हो जाए, इसलिए उम्मीद पूजा से भी है और पब्लिक से भी। बेहद भीषण हो चुकी मुंगेर की लड़ाई कौन जीतेगा या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अनंत सिंह के चुनावी दरबार में हाजिर लोगों का हुजूम बता रहा है कि अनंत सिंह जब जमानत जब्त करा देने का दावा करते हैं तो यह भीड़ उनमें इस दावे का यकीन भरता है। मुकाबला कांटे का है। तय है कि सामने ललन सिंह ही होंगे। जाहिर है जीत की राह न ललन सिंह के लिए आसान है और न ही अनंत सिंह के लिए, इसलिए लड़ाई और दिलचस्प हो चली है।